क्या आपको पता है कि इस दुनिया में जितने भी घड़ियों की फोटो या एड्स है सब में 10:10 ही बजे होते हैं। और क्या आप जानते हो घोंगा 3 साल तक सो सकता है। इस वीडियो में आप ऐसे फैक्ट्स को जानोगे कि आपके मुंह से एक ही वर्ड निकलेगा, वाव। फैक्ट नंबर 15, हनी यानी शहद ही एक ऐसा खाने वाला पदार्थ है जो कि कभी खराब नहीं होता। चाहे एक दिन रख लो, एक साल रख लो या 10 साल रख लो, वो हमेशा फ्रेश रहता है। फैक्ट नंबर 14, ऑस्ट्रिच नामक जो चिड़िया होती है उसका आँख उसके दिमाग से भी ज़्यादा बड़ा होता है। हाँ, कैसा फैक्ट है यार ये। फैक्ट नंबर 13, एक सुअर कभी ऊपर आसमान की ओर नहीं देख सकता, उसके लिए ये इम्पॉसिबल है। गजब। फैक्ट नंबर 12, किसी भी घड़ी की प्रचार में टाइम हमेशा 10:10 ही होती है। किसी भी एड या घड़ी की फोटो को उठा लो, आपको समय 10:10 ही मिलेगा। विश्वास नहीं होता, नेट में सर्च करके देख लो। रुको, मैं ही दिखाता हूँ। 10:10, 10:10, 10:10, ये इसलिए किया जाता है क्योंकि ये घड़ी के सुई की ये फिगर बहुत सिमेट्रिकल होती है और ये इंसानी दिमाग को बहुत अच्छा लगता है। फैक्ट नंबर 11, हर सपने का अलग अलग मतलब होता है, पर अगर आपको भूतों के सपने आते हैं इसका मतलब आपके दिमाग को रेस्ट की ज़रूरत है, आराम की ज़रूरत है। ऐसे टाइप के डरावने सपने आते हैं इसका मतलब आपके रियल लाइफ में भी कुछ ऐसी चीज़ चल रही है जिससे आप डरते हो, मतलब आपका दिमाग एक डिसबैलेंस स्टेट में है। क्योंकि ब्रेन टिपिकली अच्छे, नॉर्मल और पॉजिटिव सपने दिखाता है, तो भले ही वो सपने का कोई मतलब बने या ना बने, पर अगर निगेटिव सपना आता है इसका मतलब आपके दिमाग को रेस्ट की ज़रूरत है ताकि वो अपने आप को रिलैक्स कर सके। इसलिए काम छोड़कर थोड़ी देर अपने आप को भी समय देना ज़रूरी है। फैक्ट नंबर 10, एक ऑक्टोपस के शरीर में 3 दिल होते हैं, 9 दिमाग होते हैं और उसके ब्लड की कलर ब्लू होती है। फैक्ट नंबर 9, आप नोटिस नहीं किए होंगे पर मोनालिसा की पेंटिंग में कोई भी आईब्रोज नहीं है। फैक्ट नंबर 8, स्नेल यानी एक घोंगा 3 साल तक सो सकता है। फैक्ट नंबर 7, एक कॉकरोच का सर अगर आप काट दोगे तब वो 7 दिन से भी ज़्यादा जी सकता है। डरने की बात है यार। फैक्ट नंबर 6, आप पानी के अंदर अपनी सांसों को कितने देर तक रोक सकते हो? 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट। स्कॉर्पियंस यानी बिच्छू पानी के अंदर अपने सांसों को 6 दिन तक रोक सकते हैं। अरे बाप रे। फैक्ट नंबर 5, बहुत सारे स्टडीज ने ये शो किया है कि जो लोग बुद्धिमान और क्रिएटिव होते हैं उनको अक्सर रात में सोने में बहुत दिक्कत होती है और जल्दी नींद नहीं आती। फैक्ट नंबर 4, दुनिया में जितने भी पैसे हैं उनमें से सिर्फ 8% पैसा फिजिकल कागज के रूप में है, बाकी डिजिटल फॉर्म में है कंप्यूटर में। बैंक का बैलेंस आप जानते ही होंगे। फैक्ट नंबर 3, टाइटैनिक जहाज के बारे में आप तो ज़रूर सुने होंगे, पर क्या आपको पता है कि टाइटैनिक 2 अभी रियल टाइम में बनाया जा रहा है और ये एस्टिमेट किया गया है कि साल 2022 तक ये पानी में उतर जाएगी। फैक्ट नंबर 2, असली डायमंड्स यानी हीरे एक्सरे में नहीं आते। फैक्ट नंबर 1, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में इतने सारे रेस्टोरेंट्स हैं कि अगर आप डेली अलग अलग रेस्टोरेंट्स में जाओ तब भी 12 साल के बाद जाके वो ख़त्म होगा। इतने सारे अलग अलग रेस्टोरेंट्स है, उतने कम एरिया में इतने सारे अलग अलग रहे। नमस्कार दोस्तों, व्यक्ति को अपने जीवन में सफल होने के लिए मेहनत के साथ साथ भाग्य का साथ होना भी आवश्यक होता है। अगर व्यक्ति का भाग्य उसका साथ देता है तो कम मेहनत में भी अधिक सफलता प्राप्त होती है, परंतु कई बार ऐसे देखा गया है कि व्यक्ति के जीवन में कई ऐसी घटनाएं घटित होती है जिनकी वजह से उनको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और इस स्थिति में व्यक्ति को बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। दरअसल आपके घर में ही कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हमारे भाग्य को प्रभावित करती है, हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं और उन चीज़ों के आसपास होते हुए भी हमें वो चीज़ें नज़र नहीं आती।
वह चीजें हमारे चारों तरफ अजीब सा घेरा बना के रखती है, परंतु हम उनको नहीं देख पाते। इन चीजों से हमारे घर में और हमारे जीवन में नकारात्मकता फैलती है, जिसकी वजह से हमें भारी नुकसान उठाना पड़ता है। हम पूरी तरह से कंगाल हो सकते हैं। हम सोचते हैं हमारे जीवन में हमारी ग्रोथ नहीं हो रही है, लेकिन हम इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। दोस्तों, इन चीज़ों पर ध्यान देना जरूरी है, और वो चीज़ें अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आप कहीं बाहर से आते हैं और अपने जूते चप्पल इधर उधर कहीं भी उतार देते हैं, तो यह अशुभ होता है, क्योंकि इधर उधर जूते चप्पल उतारने की आदत की वजह से आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने में रुकावटें उत्पन्न होती है। इनसे उन्नति में बाधा आती है, इसलिए आप अपने जूते चप्पलों को उनकी जगह पर ठीक प्रकार से रखें। दोस्तों, काफ़ी लोगों को इस तरह की आदत होती है, कहीं से भी बाहर से आते हैं, कहीं पर भी जूते चप्पल फेंक देते हैं, कहीं पर भी उतार देते हैं। कुछ लोग तो घर के एंट्री के मेन डोर के सामने जूते या चप्पल डायरेक्टली उतार देते हैं, यह तो बहुत ही गलत है। साथ ही कुछ लोग जूते चप्पल उल्टे रख देते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते, लेकिन इन चीज़ों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है, और जूते चप्पल हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। दोस्तों, ध्यान रखें, जूते चप्पल हमेशा साफ सुथरे रखें और उनको उनकी जगह पर रखें, उनके लिए एक स्थान बनाएं, उस स्थान पर रखें। अगर कोई व्यवस्था उनके लिए की है तो बहुत ही अच्छी बात है, वहाँ पर उन्हें रखें, साफ सुथरा रखें जूते चप्पलों को उनकी जगह पर, कुछ इस तरह से रखें तो कि देखने में भी अच्छी लगे। अगर वो चीज़ें देखने में अच्छी लग रही है तो उनसे निगेटिव एनर्जी उत्पन्न होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तो दोस्तों, इस बात का ध्यान जरूर रखें। साथ ही दोस्तों, एक और बात है जिस पर आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है, हमारे घर के छत के ऊपर जिन चीज़ों का काम हमें नहीं होता है उन्हें हम घर के छत के ऊपर रख देते हैं। ऐसा करते करते देखेंगे तो घर के छत के ऊपर कबाड़ जमा दिखता है। जी हाँ, जो चीज़ें हमें लगता है आगे जाके हमारे काम में आ सकती है उनको हम घर के ऊपर रख देते हैं, लेकिन वो चीज़ें तो काम में नहीं आती। हमारे जीवन पे वो चीज़ें बहुत ही गहरा निगेटिव इफेक्ट डालती है, इसलिए हमारे घर के ऊपर का जो भी एरिया है वह पूरी तरह से साफ सुथरा रखें। जी हाँ, साफ सुथरा रखना है, और एक भी बिना काम की चीज़ हमारे घर के ऊपर नहीं रखनी है। दोस्तों, नहीं तो हम जीवन में मेहनत करते ही रहेंगे और हम जितना पा सकते हैं उतना नहीं पा सकेंगे, क्योंकि यह चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे जीवन में हमें पीछे रखेंगी। इस वजह से घर के छत को पूरी तरह से साफ रखें, पूरी तरह से साफ सुथरा रखें, क्लीन रखें। साथ ही दोस्तों, हम हमेशा देखते हैं घर के ऊपर जाने के लिए जो सीढ़ियां है उन सीढ़ियों के नीचे जो जगह होती है वहां पर सामान हमेशा रख दिया जाता है। वह जगह ही ऐसी है कि सामान को खींच ही लेती है। वहां पर आपको कुछ ना कुछ सामान तो मिलेगा ही। जिन लोगों को पता नहीं है उनके घर आपको सामान मिलेगा ही, लेकिन जिन्हें पता है वो लोग हमेशा सीढ़ियों के नीचे की जगह साफ सुथरी रखते हैं, और एक भी चीज़ आपको वहाँ नहीं मिलेंगी, क्योंकि अगर हम सीढ़ियों के नीचे सामान रखते हैं तो हमारी उन्नति होना बहुत ही मुश्किल है। जी हाँ, इन सीढ़ियों के नीचे कूड़ा कचरा कबाड़ अगर हम जमा करके रखते हैं, कोई भी सामान रख देते हैं, तो उस वजह से माँ लक्ष्मी हम पर प्रसन्न नहीं होती। माँ लक्ष्मी हमारे घर में आने की संभावना बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो दोस्तों, इन चीज़ों पर ध्यान रखें। हमारे घर की जो सीढ़ियाँ होती है उनके नीचे की जगह हमेशा साफ सुथरी रखें, क्लीन रखें। साथ ही दोस्तों, आपके घर में कोई ऐसी चीज़ मौजूद है जिसका आपको काम नहीं है, जैसे टूटे फूटे बर्तन, आईना, तस्वीरें, इलेक्ट्रॉनिक सामान, सोफा, कुर्सी, टेबल, पलंग, घड़ी, झाड़ू, गमला इत्यादि को, आप इन सामानों को अपने घर से तुरंत ही बाहर निकाल दीजिए, वरना इनसे आपको बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। आपको यह चीज़ें कंगाल बना सकती है।
तो घर में ऐसी चीजों का होना शुभ नहीं माना गया है। इनसे धन की देवी माता लक्ष्मी जी का प्रवेश घर में नहीं होता है। इन चीजों से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और इस वजह से व्यक्ति को मानसिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। व्यक्ति के मन में चिड़चिड़ाहट होती है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है। आप जो भी कार्य करते हैं उनमें आपका मन नहीं लग पाता है। इस व्यक्ति का जीवन घर में मौजूद इन चीजों की वजह से अंधकार में डूबने लगता है। इसलिए आपको घर में बिना काम की चीजें कूड़ा कचरा नहीं रखना है। दोस्तों एक और खास बात है, हमारे घर में मकड़ी का अगर जाला है तो वह बिल्कुल भी शुभ नहीं है। जी हाँ, वह अशुभ माना जाता है। घर में मकड़ी का जाला होना अशुभ है। इनसे आपके अच्छे दिन भी बुरे दिन में बदल सकते हैं, क्योंकि मकड़ी अपना जाल शिकार को फंसाने के लिए बनाती है। और अगर आपके घर में मकड़ी का जाला है तो इससे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव अधिक बढ़ता है और वास्तुशास्त्र के अनुसार से सकारात्मक ऊर्जा का नाश होना शुरू हो जाता है और घर में नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आप अपने घर को हमेशा साफ सुथरा रखें। कम से कम एक महीने में घर के हर कोने की आप सफाई जरूर करें। हाँ, वैसे तो एक हफ्ते में आप सफाई करनी ही चाहिए, लेकिन ना हो सके तो एक महीने में आपको घर पूरी तरह से साफ करना चाहिए। मकड़ी के जालों को अपने घर में खास करके नहीं बनाने दे। दोस्तों मुख्य द्वार भी हमेशा साफ सुथरा रखे। मुख्य द्वार को हमेशा सजाया जाता है क्योंकि मुख्य द्वार से ही हमारे घर में लक्ष्मी का प्रवेश होता है। तो मुख्य द्वार को साफ सुथरा रखें और सजा कर रखें तो बहुत अच्छा रहेगा। इससे मानसिक रोग और घर की परेशानियां दूर हो जाएगी, धन की कोई कमी नहीं रहेगी और इसके साथ साथ आय के नए स्रोत भी खुलने लगेंगे। धन्यवाद।